श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण चरित्र सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज द्वारा निरूपण किया गया श्री कृष्ण भगवान का चरित्र, इसमें 69 लीला हैं। 49 तक लीला हमने पढ़ ली। अब ये वीडियो नंबर 34, लीला नंबर 50, 51 और 52 तीन लीलाएं करेंगे। इससे पहले हमने महाभारत से संबंधित जो 8 लीलाएं थी, जो श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने महादाइसा के पूछने पर डिटेल में बताई, वो हो चुकी हैं। आज हम देखेंगे विस्मृति अर्जुनो उपदेश पुनः स्मरण कथन, यानी अर्जुन देव जी को गीता जो सुनाई थी वो भूल गए। वो क्या हो गया, जो युद्ध में गीता सुनाई थी वो तो दोबारा से उन्होंने सुनी है, इसके बारे में महादाइसा ने पूछा है। तो चक्र स्वामी क्या कहते हैं वो इस लीला में देखेंगे। एको दिशु महादाइसी गो साबियाते पुसिले। एक दिन महादाइसा ने श्री चक्रधर स्वामी महाराज से पूछा, जी श्री कृष्ण चक्रवर्ती अर्जुना प्रति मागुती गीता निरूपिली, हे साच जी, यह बात सच है क्या? क्या पूछ रही है वो, यह बात सच है क्या कि श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने अर्जुन को दोबारा से गीता सुनाई? ये अंदर हो जाओ या बाहर हो जाओ, रिलीज में नहीं बैठते। क्या कह रही है, क्या गीता एक बार सुनाई या दो बार सुनाई? सुना आप लोगों ने कभी ये बात कि अर्जुन ने दोबारा गीता पूछी? ये अन्य ग्रंथों में पुराणों में आता है। तो वो पूछती हैं कि कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने अर्जुन को दोबारा से गीता निरूपण किया, यह सच बात है क्या? सर्वज्ञ मनितले, श्री चक्रधर महाराज ने कहा, श्री कृष्ण चक्रवर्ती अर्जुनासी युद्ध समय निरूपण के ले ते काही विसरले। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने अर्जुन को युद्ध के समय में जो निरूपण किया था उसमें से कुछ वो भूल गए। जीव है, सब बातें नहीं याद रख सकता, तत्व ज्ञान है। मग एक वेल बीजे करिता समय ती ही श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते विन मिले। फिर एक बार उन्होंने श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी से कहा, जी गोसावी मज निरूपण केले ते मी विसरला ते मज मागोते गोसावी निरूपावे। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज से कहा, महाराज विनंती की कि जो आपने मुझे निरूपण किया था युद्ध के मैदान में, मैं वह भूल गया हूँ, वह मुझे दोबारा से भगवान आप निरूपण करें। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती मागुते निरूपिले। फिर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने दोबारा से निरूपण किया। मग अर्जुन देव अनुसर ले। फिर अर्जुन देव जी ने वहां पर अनुसरण ग्रहण किया। आप किसी को पता नहीं ये बात, अर्जुन देव जी ने भी अनुसरण लिया। अब वो हमारी तरह सिर मुंडाया या कपड़े डाले, रंग बदला, ऐसा कुछ नहीं है। पहला जो गीता में उस समय जो सुनाया वो युद्ध का समय था, तो उसका कर्म क्षत्रिय का कर्म बताया, तू युद्ध कर। फर्स्ट पार्ट दुनिया को यही पता है। दुनिया कहती है अर्जुन देव ने कौन सा संन्यास लिया था, कर्मयोग बताया, तो कर्मयोग श्रेष्ठ है। अर्जुन को महाराज ने कर्मयोग करने के लिए बोला, संन्यास योग तो सिर्फ निरूपण किया, पर यहाँ पर ये चक्रधर स्वामी महाराज ने कन्फर्म किया है कि दोबारा से उसको सारी गीता का जो तत्व ज्ञान है, ब्रह्म विद्या शास्त्र है, वो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने अर्जुन को दोबारा से सुनाया। कब सुनाया वो देखते हैं। एक वेल बीजे करिता समय, यानी जब श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज का अवतार संपूर्ण होने वाला था, अगली लीला उसी की है। इसलिए कहते महाराज अब पुर छोड़ेंगे, शरीर का त्याग करेंगे, अगर 51 नंबर लीला ये है, तो उससे पहले ये लीला इसलिए लगाई गई है, इसी के चक्र महाराज निज धाम को जाने वाले हैं। तो वो पूछ रहा है, भगवान अब आप जाने वाले हो तो मुझे दोबारा से वो पास ज्ञान सुना दीजिए। तब उन्होंने सब कुछ सर्वसंग का परित्याग कर भगवान की 100% शरणागति स्वीकार की, राजपाट त्याग कर भगवान का एक प्रकार से अनुसरला बन गया वो। ठीक है जी, ये
मग अर्जुन देव अनुसर ले। दोबारा से बोलता हूँ, एक मग एक वेल बीजे करिता समय तिही श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते विन विले विनंती की जी जी गोसावी मज निरूपण के ले ते मी विसरला ते मज मागोते गोसावी निरूपावे। जो आपने मुझे गीता का ज्ञान बताया था युद्ध के समय में भूल गया हूँ, दोबारा से बताएं। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती मागुते निरूपिले, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने उसे दोबारा से गीता सुनाई। मग अर्जुन देव अनुसर ले, फिर अर्जुन देव जी ने अनुसरण ग्रहण किया। ये आज हमें बड़ी एक नई बात समझ आई है, पहली बार सुनी है कि अर्जुन देव जी ने भी अनुसरण लिया है। कितनी दुनिया बोलकर कहती है कर्म योग श्रेष्ठ, कर्म योग श्रेष्ठ, संन्यास योग से कृष्ण भगवान जी ने बोला है, पर जब दोबारा बताई, अब ये बात दुनिया को पता नहीं है पर ये पुराणों में कहीं आता है वर्णन की, दोबारा सुनी। तब ना तो व्यास ऋषि थे ना ही वो संजय था, संजय था नहीं ना व्यास ऋषि थे, लेकिन यहां पर उस समय जब व्यास ऋषि जब तब कृष्ण भगवान की प्रवृत्ति थी ये गीता का ज्ञान सबको पता चले, तब उन्होंने खुलकर किया। यहां पर सिर्फ अर्जुन को अकेले बिठाकर दोबारा बताया और अर्जुन देव जी ने अनुसरण ग्रहण किया। अनुसरण ग्रहण किया कि वो सब कुछ त्याग करके सर्व संग परित्याग करके ईश्वर के अधीन हुए, उनकी शरणागति स्वीकार की और उन्होंने जो कहा वो किया। अब 52 नंबर लीला में है कि अनुसरण में उन्होंने क्या किया, मैं पहले ही बता देता हूँ। एक लाइन की लीला है, 52 नंबर लीला। पांडवा हिमवंता पर्युष्य अनुवाद, पांडवों को हिमालय में भेजना। एको दिशु श्री कृष्ण चक्रवर्ती पांडवा ते मन तुम्ही हिम चुरु जा ऐसी आज्ञा के लिए। अब 51 में श्री कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा की विनती स्वीकार की है, वो अब लीला बांध लेते हैं, पहले उनका पांडवों का देख लेते हैं। एक दिन जाने से पहले 7 दिन भगवान ने मांगे थे ना, तो उन्होंने कहा तुम हिमाचल में हिम यानी हिमालय पर्वत पर जाकर खत्म हो जाओ, चुरू जा ऐसी आज्ञा के लिए, ऐसी आज्ञा की ती ही मानी ले, उन्होंने उनकी बात को मान लिया, आज्ञा पालन किया। उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि भगवान हम घर बैठे भी ईश्वर प्राप्ति कर लेंगे, घर में रहकर राजपाठ करेंगे और करेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने। हमने इतनी मुश्किल से राज्य जीता, इतनी मुश्किल से मैंने घर बनाया और आप कह रहे हो छोड़कर चले जाओ महात्मा जी, सारी जिंदगी एक एक रुपया जोड़ा, और यहाँ पर तो भगवान चक्र कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम इतना बड़ा युद्ध करने के बाद कि तुम चले जाओ। तीही मानी ले, सभी पांडवों ने वो बात मान ली और अपना राजपाट छोड़कर कृष्ण भगवान की आज्ञा को फॉलो किया। अब देखिए हम लोग ये बात सुना सुनाई है लेकिन श्री चक्रधर महाराज जी ने इसे स्पष्ट कर दिया है। चुरु का मतलब क्या है, चुरु का मतलब यहाँ कहीं नहीं आया, पीछे शब्द अर्थ में हिम चुरु जा, ठीक है जी, शब्द क्या है हिम चुरु जा, हिमालय पर्वत में चले जाओ, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। चूल चुनाड़ा चुनर चुनरी चूड़, हाँ यहाँ पर नहीं है। चलिए वापिस चलते हैं लीला नंबर 50 पर। ब्रह्मा की विनंती स्वीकार, ब्रह्मा की विनंती को स्वीकार करना। एको दिशी महादायसी गोसावी आते पुसिले, एक दिन महादायसा ने श्री चक्रधर महाराज से पूछा जी जी कुरुक्षेत्र संपल्या ऊपरी कलयुग कितने दिशा रिगाले, जी कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद कलयुग कितने दिनों बाद कलयुग लगा। क्या पूछ रही है, कितने दिनों बाद कलयुग आया। सर्वज्ञ मणितले 22 वरिखे गेली, 22 साल बीत गए युद्ध को तो कलयुग शुरू हो गया। आज हमने एक नई बात और समझ आ गई, ये बात चक्र स्वामी महाराज ने बोली, अगर चक्र स्वामी महाराज में प्रतीति है तो आप इस बात को सत्य मानोगे।
कि कलयुग कुरुक्षेत्र का युग 18 दिन चला, उसके 22 साल बाद कलयुग शुरू होने हुआ। तो मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती थे, ब्रह्मे निबिन मिले, फिर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज से ब्रह्मा जी ने विनंती की, किसने की? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी के पास डिपार्टमेंट है, जीओडी कहते हैं ना, जनरेटर ऑब्जर्वर डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की व्यवस्था देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसे इंचार्ज बना देते हैं ना, पूरा आश्रम देखो, पूरी फैक्ट्री देखो। तो ईश्वर ने, परमेश्वर अवतार ने ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगाई हुई है जनरेटर करने की, सृष्टि को चलाने की, ऑब्जर्वर यानी उसको वह देखने की, डिस्ट्रॉयर यानी खत्म करने की। तो ऐसे तीन डिपार्टमेंट जो है वो है, डिस्ट्रॉयर मतलब ये जो डिस्ट्रक्शंस होती है, छोटी मोटी भूचाल वगैरह बड़े बड़े चीजें आती हैं उसको बोलते हैं सफाई करना, जैसे तो हाँ जैसे छोटा मोटा सफाई करते हैं, कुछ चीजें खराब हो जाती है तो ठीक करते हैं, तो वो डिस्ट्रॉयर इसमें आएगा। डिस्ट्रॉयर मतलब 100% डिस्ट्रक्शन नहीं है। हम कहते हैं ये चीज दीवार टूट खराब होगी, इसको तोड़ के नहीं बनाओ, छोटी मोटी रिपेयर करते हैं जैसे हम, तो ऐसा समझना चाहिए यहाँ पर। सृष्टि की रचना और संहार जो है परमानेंट, वो ईश्वर की आज्ञा से प्रवृत्ति से माया करती है। ये जब चलती है सृष्टि, उसमें जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो ब्रह्मा विष्णु महादेव इन तीनों का डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर क्यों ब्रह्मा जी खुद आए चलकर, वो तो देवता है, भगवान उनकी बात मानेंगे क्या? पर ईश्वर भी जो है अपने नियमों से बंधे होते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या विनंती की वो देखते हैं। ये बात चक्कर स्वामी महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की विनंती स्वीकार की है। सड़ने मणितले भाई 22 वरीखे गेली, 22 साल चले गए, मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती थे ब्रह्मे निबिन मिले, ब्रह्मा जी ने विनंती की। श्री कृष्ण चक्रवर्ती तयासी साता दिशा ची गड़े दिदली, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने उन्हें 7 दिन की प्रॉमिस किया कि 7 दिन बाद हम ये धरती छोड़कर, उन्होंने कहा कलयुग लगने वाला भगवान और आप तो द्वापर युग के हो, तो आपकी आयु भी 1000 साल से ऊपर हो चुकी है, तो आप अब आप कलयुग लगने वाला, अब चलिए आगे हमें कलयुग लेकर आना धरती पर। तो उन्होंने कहा ठीक है 7 दिन की मोहलत दिए, 7 दिन बाद मैं चले जाऊंगा। साता दिशा जी गड़े दिदली मग मागोता पाठविला, फिर उन्हें वापिस भेज दिया ब्रह्मा जी को। अनी यादवा ते मणितले, और यादवों को कहा, उनका जो परिवार था, अतः द्वारका पानी बुड़ैल, अब द्वारका पानी में डूब जाएगी, अतः तुम्हें समस्त बाहरी चाला, अब तुम सारे यहाँ से बाहर चले जाओ, द्वारका छोड़कर चले जाओ। अतः हे निज दामा निगाले, अब हम निज दाम को जाने लगे हैं, तुम्हें समस्त थड़ी सी चाला, तुम लोग थड़ी पे जाओ यानी जो धरती है वहां जाओ, समुद्र के अंदर जो द्वारका है वो डूब जाएगी, तुम यहां से निकलकर किश्तियों में जैसा भी है अपना सामान लेकर चले जाओ। द्वारका जो थी समुद्र के अंदर थी, उसका ये द्वारका बेट बोलते हैं, तो वह यानी एक टापू था, द्वीप था, बेट थी, वो डूब जाएगी पूरी की पूरी। तो जो द्वारका का शहर जहाँ मंदिर है परदुमन ने बनाया हुआ, जहाँ पे चक्रवाणी महाराज रहते थे, उसे थोड़ी दूर 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे थी, अभी अवशेष आपको दिखाई देते हैं वीडियोस में, उन्होंने कहा डूबने वाली है, तुम लोग वापस गुजरात के तट पर चले, थड़ी मतलब जहाँ पे समुद्र का किनारा है वहाँ चले जाओ, जहाँ समुद्र जमीन से मिलता है उसको थड़ी कहते हैं, जैसे वो होते नदी के किनारे पे होता है, थड़ी से बैठ जाऊँ मैं, अभी थड़ी बोलते हैं ना, तो थड़ी उस टाइम में थड़ी शब्द है, देखो मराठी में भी आता है, निजदामा निगाले तुम ही समस्त थड़ी सी चाला, माँ प्रवाहनी बैसोनी समस्त थड़ी सी आले, फिर सभी प्रवाहन में बैठकर थड़ी पर आ गए। तेथ मेली कारू जाला, मग पांडवा सी सांगोनी पाठ मिले, वहां पर उनका यादवों को सबको निकाल दिया, वो चले गए, भगवान की आज्ञा फॉलो की उन्होंने। फिर पांडवों को संदेश भेजा, कलयुग रिगाले तुम ये तुमासी एथ राहो ना, ये कलयुग आने वाला है,
रिगाले यानी आने वाले सात थोड़े दिनों बाद, तुमासी एक राहो ना आए, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम ही उत्तरा पंथे जावे, तुम लोग उत्तरा पंथ हिमालय में चले जाओ। आमी निज भुवनासी जाऊनी, मैं अपने निज भवन में चले जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? निज भुवन, अपने भुवन में चले जाऊंगा। ऐसे आइकोनी पांडव आदक ले, ऐसा संदेशा जब उन्हें दिया वो पांडव हिल गए, थोड़ दुख जाले, बहुत दुख हुआ उन्हें। तयांसी आकांतु वर्तला, एकदम अक्रांत हो गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा, भगवान जा रहे हैं, एकदम परेशान हो गए। देशी तड़े पड़ीली भाई, देश में तड़े पड़ गए भाई। तड़े यानी चीरे जैसे होते ना, देश में तड़े पड़ गए, सब खत्म हो गया। यहां पर ये लीला संपूर्ण होती है। अगली है 52, पांडव हिमवंता पर्युष अनुवाद, एक पांडवों को हिमालय में भेजने का अनुवाद। एको दिशु श्री कृष्ण कृति पांडवाते तुम्हें हिम चुरु जा, ऐसी आज्ञा केली ती ही मान ले। तो उन्होंने पांडवों को आज्ञा भेजी कि तुम लोग हिमालय में जाकर अपना शरीर छोड़ दो, कलयुग आने वाला है। यह आज्ञा उन्होंने फॉलो की, यानी उन्होंने भी आज्ञा पालन किया। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। वीडियो नंबर 34, लीला नंबर 50, 51, 52, ये श्री कृष्ण महाराज के निजधाम जाने की लीला है और कलयुग समय की लीला है। 22 ईयर्स कलयुग चला महाभारत के युद्ध के बाद, ये जो नई इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है, तो यहाँ पर ये वीडियो संपूर्ण होता है। श्री कृष्ण चंद्र महाराज, श्री चक्रधर स्वामी की जय।